ऑल सोर्स ऑफ हेवन. हाँ वाटर प्रूफ है, पर मी याचा केस नाही आणलाय. ये हमारे साथ है मेरा फ्रेंड यश, वो नया मिल गया आदित्य करके. ओके दिस इज यश. यश ब्रेकफास्ट में क्या है? और ब्रेकफास्ट में हमारे पास है एक समोसा, वन फ्रूटी, हाफ इटन बालाजी वेफर्स एंड वन रोटन गुलाब जामुन. क्वाइट न्यूट्रिशियस. वेरी न्यूट्रिशियस. एंड पैक्ड इन दिवाली बॉक्स. हाँ ब्रिजवासी. ये ब्रिजवासी पहले का मतलब है ब्रिजवासी मिठाई ब्रिजवासी विद अंबा बर्फी ऑन इट. एवढंच नाही भेटला रे. अभी मैंने बहुत सारे काप्स खा लिए है. समोसा था, ऑयली था. सो अभी हम कैंप पे पहुंच गए और सभी लोग मतलब पूरी ट्रिप ट्रिप ही है तो बस में सभी लोग हल्के हो रहे. ओके सो ये बेस कैंप है. ओके और ऊपर है तिकोना एज यूजुअल. बात है ये बता रहा है कि स्टिक लेना बहुत मैंडेटरी है राइट ऊपर जाने के लिए. एंड इसने इसने ग्लव्स भी पहने तो इससे इंजरी नहीं हो जाएगी इसको. जिसको बैक वगैरह का हाँ आदर होता है. और hey, तन्मय इसे स्टार्ट विद दैट थिंग बिगनर्स वगैरह क्या बताना चाहेंगे इस फोर्ट के बारे में? तिकोना फोर्ट जो है हाँ बिगिनर को एकदम इजी है. ओके एज कम्पेयर टू लोहगढ़ एंड विसापुर ना मतलब जिन्होंने अभी ट्रैक वगैरह चालू की है ठीक है उनके लिए ये ट्रैक बहुत अच्छा रहेगा. ओके वो आराम से इस ट्रैक पे आ सकते हैं. और ये पौना नगर से नियर बाय नीचे ही है. हाँ 3 किलोमीटर से. ओके. तो इधर जब आएंगे आप ये हमारा फोर्ट भी देख सकते हैं, कैंपिंग भी कर सकते हैं. इधर स्टॉल्स भी है तो रिफ्रेशमेंट के लिए स्टॉल्स मिल जाएंगे. फोर्ट की बात की जाए तो ये तिकोना ओके पौना मावर रीजन में आता है. पौना मावर रीजन में बहुत अच्छे अच्छे फोर्ट्स है. ये पूरे लोनावड़ा के एरिया में आ जाते हैं. ओके द थिंग इज कि इसके इसके हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अराउंड फोर्ट पे 7th या 8th century AD के अवशेष मिले थे रिमेंट्स. ओके इसके बाद इसका हिस्ट्री में जिक्र हुआ 1585 को जब निजाम मोहम्मद अहमद शाह ने शाह वन ने इसको रूल करना चालू किया था, कैप्चर किया था. ओके इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको 1657 में कैप्चर कर लिया. तोरना तुंग, तिकोना, लोहगढ़, विसापुर और कोरीगढ़ इन सभी चीजों को. ओके बाय द वे एक ऐड करना चाहता हूँ कि जो ट्रीटी थी वो ट्रीटी कौन सी थी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो गढ़ सौंप सौंप दिए थे निजाम को? ट्रीटी ऑफ पनाड़ा पुरंदर का तो. हाँ हाँ पुरंदर. ये वेरी गुड वेरी गुड. तन्मय इज हैविंग अ ग्रेट नॉलेज अबाउट हिस्ट्री. ओके सो पुरंदर का इसमें हाँ उसमें ये था बट बाद में मराठा ने फिर से कैप्चर कर लिया. एंड इसको ज्यादा किसने रूल किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज के फॉर्मल मिनिस्टर देशमुख और धमाले ने इसको रूल किया अराउंड 1660 से 1670 में. बाय द वे आदिल शाह का एक अटैक हुआ इस पे 1665 पर मगर ये फोर्ट ने झेल लिया उसको. बाद में इसका जिक्र हुआ है कि मैं आपको ऊपर बता दूंगा क्योंकि मेरी अभी सांस फूल रही है क्योंकि चढ़ाई बहुत है. चढ़ाई ओए 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 यू गॉट कैप्चर्ड यू गॉट कैप्चर्ड. स्पंदन सर आवदा अभी कदम. आदित्य कैसा लग रहा है आपको ये ट्रैकिंग? बहुत अच्छा लग रहा है. दैट्स द पौना डैम. ओके बाकी ये पूरा सह्याद्री का रेंज है. ओके
भाई भेजना यार। हाँ भेज दूंगा, सब कुछ भेज दूंगा। कैप्चर दिस इज मेट। ओके, अगर कोई भी दुश्मन आ जाता है तो उसको फर्स्ट अटैक इधर से ही देते थे, तो थोड़ा सा फ्लैट एरिया है। ओके, गडावर प्रवेश द्वारा पूर्वी होणारी पहिली तपासणी जागा वर गडावर किंवा गडात तर चला चला मेरी सास फूट गई है। चलो मेरा लेस छूट गया अनफॉर्चुनेटली। दिग्विजय मेरे भाई रुक जाओ। अगर हिस्ट्री की बात की जाए इस फोर्ट की, तो फोर्ट में अभी भी फोर डोर्स है, जिसमें कि दो की स्थिति बहुत बहुत बिकट बोल सकते हो आप। ओके, अब वैसे तो अगर आप विकिपीडिया करेंगे तो फोर्ट कंडीशन उधर रियून लिखा है, रियून मतलब तबाह हो गया फोर्ट। इधर आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, लींबू पानी और ताक, राइट, दैट्स द थिंग। एक्सक्यूज मी। ओके, छत्रपति संभाजी महाराज कभी भी एक भी बैटल कभी हारे नहीं थे। ओके, दैट वाज लाइक इट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल, वो थे ही ऐसे। तो संभाजी महाराज अकबर को मिलने तिकोना पे आए थे, और अकबर खुद 7 या 5 दिन कुछ तो इधर रहा था, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ठंड थी इधर और मानसून का पीरियड था, इसके कारण वो इधर नहीं रहा, वो जतिनपुर चले गए। दिस इज ऑल्सो पिक लाइक एक पॉइंट बोल सकते हो कि अगर आप मानसून में आ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, दिस इज द ट्रायंगुलर थिंग। ओके, कुछ फोर्ट के बारे में जानकारी जो विकिपीडिया पे नहीं है वो आपके पास है? कुछ नहीं है तिन्ही किल्ल्यांना आपण या ठिकाणी लक्ष देऊ शकत होतो, त्यामुळे महाराजांनी हा किल्ला ताबेस घेणे। आपको काय लागतं, लोणावळा एक हिल स्टेशन? सो मैं दोनों इससे मिक्स कर रहा हूँ, फोन से भी और कैमरे से। कंडीशन ऑफ फोर्ट क्वाइट रुइंड, दुस्थिति में है ये फोर्ट। दिस इज द फर्स्ट गेट, ये पहला दरवाजा है। महत्वाची सूचना, गडावरती मद्यपान, धूम्रपान, ध्वनि प्रदूषण और कुठल्याही प्रकारचे गैरप्रकार होणार नाही याची पर्यटनाने काळजी घ्यावी। सो अगर आपके पास साउंड है, स्मोक बॉटल, कुछ नहीं चलेगा, होली प्लेस है, होली रखी है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट गेट, वी गोना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वेरी गुड, चलो। बंद करते हैं। दिस इज द बाले किला स्टार्टिंग। ओके, थोड़ा थोड़ा आप लाइमस्टोन देख सकते हो, बीच में लाइमस्टोन माना चून खड़ा।
ओके सुना इधर लिखा है वेताल दरवाजा, राइट वेताल दरवाजा, वेताल दरवाजा, फाइनली ऑन टू द गढ़, ऊपर और है, ओके ये खत्म नहीं हुआ, श्री हनुमान जी का एक आइडल है, एंड मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा है ये 15th सेंचुरी से, सो कुछ आप रिमेंस देख सकते हो तब के, एंड दिस इज काउ ऑन अ सिंगल स्टोन, ओके एंड सराउंडेड बाय अ पिलर्स एंड वॉल, यू कैन स्टिल सी द रिमेंस ऑफ लाइमस्टोन। कौन सा गांव है? हाँ तिकोना पेट, राइट, तो ये कुछ रिमेंस है मिनिस्टर के, सरदार के, तो कृपया करके इस पे खड़ा मत रहिए क्योंकि अभी यही बचा है, इसको ही हमको प्रिजर्व करना है, ओके ऐतिहासिक वास्तु। एंड वन मोर थिंग इज ये पूरे वाड़े है, ओके सो ये पूरे रिमेंट से थे प्रॉपर, एंड दिस मस्ट बी द फर्स्ट केव, बाय द वे इस फोर्ट पे 7 केव्स है और कुछ तो पवित्र भी है, कुछ तो 7 केव्स भी है, सो ये फर्स्ट एक नेचुरल वाटर रिजर्वर, एंड दैट्स द मंदिर। द बाले किला ऐसा स्मॉल फोर्ट, ओके अपसाइड यही बचा है सिर्फ, बाकी ट्रायंगुलर माउंटेन है, रिमेंस कुछ नहीं है ज़्यादा। फोर्ट ट्रैक करने को बहुत अच्छा है, मतलब एक फीलिंग आती है ना, इट्स लाइक क्लाइम करके, यही बचा है, ओके हाँ ये भी एक स्टोन है, बाकी कुछ ऐड नहीं करना चाहता मैं, ये आपको लेवेंडर फ्लावर्स मिल जाएंगे, पूरे लेवेंडर लेवेंडर फ्लावर्स, क्योंकि वाटर बॉडी है ना इधर इसके बाद, और उधर हनुमान जी है तो इधर राम होने चाहिए, तो ये श्री हरि राम का मंदिर है। इधर एक बाबा रहते थे 20 साल से, अभी नहीं है। एंड दिस इज द फ्लावर, बहुत सारे ब्लॉग्स में मैंने देखा है ये फ्लावर अराउंड 15 सेंचुरी में काव किया गया है और ये उल्टा है, ओके ये टेंपल है और ये उल्टा कैसे काव किया है, तो तभी का टेक्नोलॉजी देखिएगा, बराबर से मार्जिन है स्टोन में, ओके एंड दैट्स द, सो ये दो वित्ताड़ेश्वर मंदिर और महाद्वार वो दरवाजा, ये महाद्वार इधर है, महाद्वार तो इधर है, ये किसने घुमा दिया है क्या, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, गोलमाल विलमाल वाला सीन, गढ़ कड़े एंड दैट इज द महाद्वार, चलो इधर ही जाते गढ़ कड़े, चुनेचा घना विच इज लाइमस्टोन मिल घाना, ओके गड किल्ले बांधकामातील सर्वात महत्त्वाचे घटक म्हणजे चुना विच इज लाइम, दे यूज टू ब्रेक द लाइम एंड ओवर हियर दॅट्स द व्हील, देअर यूज टू बी अ स्टिक एंड हियर द बुलक कार्ट, द बुलक यूज टू पुल दॅट स्ट्रिंग्स एंड देन द लाइम वुड गेट क्रश, दे यूज टू मिक्स इट विथ गुड, राईट गुड चुना एंड बांधकाम, दॅट्स द थिंग, सॉरी इंग्लिश आ गया बीच में, सो मॅनेज कर लेना, सोचना पायऱ्यांवरनं जाताना काळजी घ्यावी, काइंडली माइंड युअर स्टेप, अरे मॅन द फक ये स्टेप्स डायरेक्ट चेस्ट पे आ रहे, समझ लेना दो साइड में स्टेप्स है एंड दैट्स द बाले किल्ला, माइंड युअर स्टेप्स, एंड
अरे ये तो प्रॉपर एक्सरसाइज है आज के जिम हो गए। अरे भाई मेरे ये कोई उड़ जाएगा। अरे मैं बहुत हवा है एंड ये खत्म नहीं हुआ, ये दूसरी केव है। फ्रेश वाटर नहीं है ना, प्राइस पानी पानी चे टाके वर लेनी। मगाशी आपण तिथं होतो बरोबर ना, बघ ना तिथंच तर होतो। दॅट्स द पौना डॅम। ए माकड मंकीज दिसतील तिथं वरती। When vlogger meets vlogger, not a vlogger, but ऐसे ही। Get started. So इधर ये rope है, इसमें steel है, okay? ये हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। Okay. This is something very dangerous. Okay. बहुत danger है ये, मतलब बहुत danger है। अरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई। इट इज वेरी स्कैरी। दिस इज डायरेक्टली, द थिंग इज ये डायरेक्टली चेस्ट पे आ रहे हैं। ये स्टेप्स के भी ऊपर का स्टेप्स है। रुक जाइए एक मिनट, मैं टर्न कर लेता ऑलमोस्ट ऑफ। ओके सो दिस इज द थर्ड गेट, तीसरा दरवाजा। चला रे। ओके सो दिस इज द थिंग। गाइस फॉलो मी चैनल एंड सपोर्ट चैनल। पिण्याचे पाण्याचे लेणीचे इन दॅट वे। ओके आय नो इट, दॅट इज इधर पडा था हवा के वजेस हम टॉप पे आ गए ना, टॉप पे आ गए हम। यस राइट। भाई मेरे हम उधर से ही आए थे, सह्याद्रीच्या लेण्या आणि ही पर्वत रांग। एब्सोल्यूट जे मुघल होते ना त्यांचं म्हणजे असं होत की आपण विचार करू शकतो की तेव्हा हे दगड म्हणजे कलाकृती होती, हे दगड होते बरोबर, दगडांचे असताना त्यांच्यावर अत्याचार झाले। तर विचार करा, जेव्हा हिंदू होते, जेव्हा हिंदुत्व होता आपल्या राज्यामध्ये, जेव्हा आपल्या ज्या गायी होत्या किंवा गोवंश होतं, मग त्यांच्यावर काय हालत असतील। मग त्याच्यावर आपल्याला हे समजतं की हे जे किल्लं आहे ना हे त्या टायमाचं कृत्य आहे। म्हणजे विचार करू शकतो आपण की त्या टायमाला कसं असेल। बरोबर, डायरेक्ट हातोडा मारून हे तोडायचे। आतले देवी देवतांना पण तसंच केलं। हे शिवलिंग आहे आणि इथे गाय आहे नंदी। हे मंदिर तळजाईचं असेल कोणतं आहे? चल आतमध्ये जाऊ। वितंडेश्वर राईट, बोर्ड होता इथं, बोर्ड चला गया तभी।
चितंडेश्वर मंदिर और इधर शिवलिंग है। पवना डैम पूरा क्लियरली दिख, पूर्ण से पूर्ण दिसतोय ना पवना डैम। अजून पलीकडच्या साइडला पण आहे ना डोंगराच्या, हाफ तर दिसतोय पण केवढा मोठा आहे। मेन पॉइंट तिकडे, ओके, बाकी या किल्ल्याच्या बॅक साइड मेन कॅम्पिंग ते इकडे असतो। तुंग कुठे आहे? इकडे नाही, तुंग इथे सेंटरला आहे। सेंटरला आहे ना, नाही दिसणार आता ऊन धुक आणि सगळं। मेन कॅम्पिंग तिकडे आहे। तो बिल्ड केलाय, हा नॅचरल लेक नाहीये, पिण्याचे पाणी तर नाहीये, भरपूर सांडपाणी आहे। सांडपाणी इतकं घाणेरड आहे। ऍज युजुअल पवना डॅम आहे। हा लिंक मेरे को सबस्क्राइब करो पहले। सो हम इधर बैठे थे, ये मैन मेड एक फॉर एंटर दिस फोर्ट। ये क्या है मुझे नहीं पता, ये कुछ तो पुल ही रहेगा राइट। ए बहुत धूप है ना, कि ये सो ये लास्ट है, इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते। ओके, वो एक पॉइंट हो गया हमारा, एक ऊपर का पॉइंट है बस। दैट्स इट माय फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट टिकोना इज, ट्रायंगुलर शेप फोर्ट। एंड ये एक बैठ गए तो कैसे रहेगा, परफेक्ट स्पॉट बैठने के लिए। गाडाचं बांधकाम 600 वर्ष जुने, त्यामुळे मला एवढा नॉलेज नाही की त्रिकोण। अरे 7th किंवा 8th सेंचुरीचे रिमेंट सापडले, 7वं दशक। बंद करतोय। सो राइट नाउ हम फोर्ट पे आ गए, टॉप पे, ऑलमोस्ट टॉप पे। कितना मीटर है फोर्ट? 1114 मीटर। मीटर 1166 मीटर है। सो अराउंड 3500 फुट। ओके, सो बुर्ज खलीफा के ऊपर है। तो इसके सराउंडिंग का, इसके 400 मीटर ऊपर है बुर्ज खलीफा से। ये डिफरेंस बता रहा है। सो दिस इज पीस एंड दिस इज सेरेनिटी। पूरे वर्कलोड के बाद लोग इधर आते जस्ट टू ट्रैक दिस थिंग। सिर्फ एक ही दुश्मन है इधर, जो कि है धूप, बराबर ना? अगर आना है तो सुबह आ जाओ राइट, 8 के पहले सॉरी स्लिप ऑफ टंग। नीचे से ऊपर आया, लाइक वो हमारा पार्टनर था, हमारे सिक्योरिटी टाइप। ओके, वो अभी अभी एक बंदर से भी हमारे लिए झगड़ा किया, कैप्चर नहीं किया हमने, ये ऐड करना था मुझे। नहीं सांगा इसे। हाँ, गड़ कसा वाटला? ट्रैकिंग साठी चांगला आहे, बिगिनर साठी चांगला आहे, आणि प्रत्येकाने यायलाच पाहिजे। मुलींसाठी कठीण आहे का कसा आहे, म्हणजे मॉडरेट आहे? ठीक आहे, ओके ओके। मुलींसाठी म्हणजे वातावरण वगैरे छान आहे, प्रसन्न आहे? एक वीकेंड ट्रिप होऊ शकते चांगली राईट। थँक्यू। तुमचं नाव?
द सिक्स केव, हमको नीचे जाना है इधर से और इधर से आना। चलो तुम्हारा नाम? अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी हमको गाइड करेंगे पूरा, हमको हाँ पूरा स्लाइड हाँ ऐसे ही चलना है। चलो ये बहुत छोटी जगह है। हाँ बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटा सा गुफा है ये। चलो बाय। अभिषेक तिवारी उधर से आ गया। एंड एंड सो फाइनली डिसेंड अभी चालू हो गया। ओके कितना टाइम लगेगा डिसेंड को? अभी 11:40 हो गए, दिखाता हूँ मैं। हार्डली 10 मिनट लगेगा डिसेंड को। हाँ हाफ एन आवर। अभी ये सबसे नैरोस्ट पाथ है जो हम चढ़ के आए थे, ये यश और ये जीवन। चलो डोंट क्रिएट। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक 90 डिग्री स्लाइड सरते है ना। आता है नवीन आनंद, मी मराठीतच बोलतो। ओके दमायला झालं जरा, हिंदी मराठी आपको समझते यार, हम सब महाराष्ट्रीयन है। और अगर दिल्ली से कोई देख रहा है तो समझ लीजिएगा मराठी, ओके सीख के। तो ये पूरे नए स्टोन्स लाए और इनका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे हमने कोरीगढ़ में देखा था। एक्चुअली कोरीगढ़ बहुत फोकस्ड रिस्टोरेशन सॉरी ही इज करेक्टिंग मी, दे आर रिस्टोरिंग दिस फोर्ट। और अभी ये एक ही जो गेट है ये नया लगाया है। एक कभी बस वाला रे कौन होता, कुटे होता था नहीं वर्षा। दिस गाय जस्ट सेव हिज लाइफ।